You're poo, like a ये तो शेप नहीं निकाल पाओगे लेकिन मैं थ्योरी का 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 ट्रिक बताऊंगा और जिससे किसी भी कंपाउंड आसानी से निकल जाएगा तो आइए बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं बहुत ही पॉपुलर जो कि एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं इसका शेप और हाइब्रिडाइजेशन मतलब की ज्योमेट्री हम कैसे पता करेंगे तो सबसे पहले है एसोटू -SO

sp2 का मतलब हो गया ट्राइगोनल प्लेनर अब हम देख सकते हैं यहाँ पे दो बॉन्ड है पर वैल्यू है थ्री इसका मतलब क्या हुआ कि टू बॉन्ड पेयर और जो एक बचा वो है लोन पेयर तो ट्राइगोनल प्लेनर हमें पता है कैसा दिखता है ये रहा दो ऑक्सीजन यहां होता है तीसरा बॉन्ड बट यहाँ पे है लोन पेयर तो हम बना देंगे लोन पेयर अब आप इसको कवर कर लो हाइड करके देख लो क्या दिख रहा है तो ये वी शेप दिख रहा है इसका आंसर होगा इसका शेप क्या होगा वी शेप शेप इसको बेंट भी बोलते हैं, एंगुलर भी बोलते हैं एंगुलर भी बोल लो दूसरा है एच टू ओ तो एच टू ओ का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो सेंट्रल आइटम है ऑक्सीजन तो मतलब है सिक्स और दो हमारे पास मोनोवेलेंट सराउंडिंग आइटम है तो प्लस टू क्या आ गया फोर आ गया फोर का मतलब हो गया एस थ्री और ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल अब इसमें क्या हम कर सकते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे दो बॉन्ड है ऑक्सीजन के पास लेकिन वैल्यू है चार इसका मतलब क्लियर है कि दो बॉन्ड पेयर है और एक दो लोन पेयर है टेट्राहेड्रल में दो बॉन्ड पेयर है दो लोन पेयर है तो इसमें किस चीज में चेंज हो जाएगा ये रहा ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल होता तो ऐसे और ऐसे बनाते हैं बट क्योंकि इसमें लोन पेयर है दो तो एक यहां लगेगा और एक यहां लगेगा अब इसको हाइड करो सेम बेंट दिख रहा है वी शेप या फिर बेंट वी शेप या बेंट याद अगर लोन पेयर है तो ज्योमेट्री और जो शेप होगा वो सेम होगा अगर लोन पेयर नहीं है तो अगर लोन पेयर है तो वो डिफरेंट होगा क्योंकि हम कहते हैं ना बॉन्ड पेयर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर लोन पेयर इन सबका रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है तो ये चाहते हैं कि लोन पेयर जो है एक दूसरे से जितना ज्यादा दूर रह सके एज फार एस अपार्ट टू मिनिमाइज द रिपल्शन ठीक है तो ये है हमारा विशेपर थ्योरी यही कहता है एन में आप देख लो क्या करेंगे हाइब्रिडेशन निकाल लो सबसे पहले एनएस का नाइट्रोजन फैमिली है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच होगा और तीन सराउंडिंग तो ये भी आ गया भी फोर. फोर आ गया गया भैया का मतलब सराउंड एसपी थ्री और टेट्राइड्रन अब देख लो आप कंपेयर कर लो फॉर्मुला से नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना रहा है लेकिन वैल्यू है चार इसका मतलब है एक लोन पेयर है इसका मतलब तीन बॉन्ड पेयर है और एक पेर है तो टेट्राइटन होता तो ऐसा बनाते हैं हम ये हाइड्रोजन और एक है पेयर अब इसको हाइड करो क्या दिख रहा है अगर इसको हम हाइड करते हैं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बिल्कुल सही आप इजिप्ट में देखे होंगे पिरामिडल इसको बोलते हैं पिरामिडल्स अब बात करते हैं फोर्थ सीएलएफ थ्री का तो सी एल एफ थ्री में फिर से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो हाफ ऑफ

बाई पिरमिडल ट्राइगोनल बाई आप देख सकते हो अब इसको बनाते कैसे हैं तो ये ट्राइगोनल तो ये हो गया ठीक है और बाई पिरामिडल एक ऊपर एक नीचे अब जो ऊपर नीचे वाला बॉन्ड होता है उसको कहते हैं एक्सजीएल ये जो ऊपर नीचे वाला बॉन्ड है इसको हम कहते हैं एक्सजीएल और जो सेम प्लेन में ये तीन बॉन्ड दिख रहा है आपको ट्राइंगल ये जो सेम प्लेन में ये तीन बॉन्ड है इसको कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड तो एक रूल बता दे रहा हूं याद रखना काम आएगा कि जो लोन पेयर होता है वो कभी भी इक्वेटोरियल हमेशा इक्वेटोरियल पोजिशन पे होता है एक्सजील पोजिशन कभी पे कभी नहीं डालते लोन पेयर को एक्सियल पे कभी नहीं डालते अगर कभी भी बाईपेरामिटर वाला स्ट्रक्चर आएगा तो लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे होगा तो यहां पे आप देख लो पांच वैल्यू है पर बॉन्ड है सिर्फ तीन इसका मतलब दो है लोन पेयर तो यहां पे तीन बॉन्ड पेयर है एक दो लोन पेयर है ऐसे हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू से कंपेयर करके हम डी सीधा पता कर सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे यहाँ सेंटर में हो गया आपका क्लोरीन तो लगा दो क्लोरीन को तो क्लोरीन आ गया सेंटर पे लोन पेयर मैंने जैसा बताया लोन पेयर हमेशा और हमेशा इक्वेटोरियल पे होगा तो दोनों लोन पेयर यहाँ लगेगा तो यहाँ लगा दो लोन पेयर ये दो लोन पेयर आ गए यहाँ पे एक लोन पेयर इधर एक इधर और बाकी जो है हमारा तीन फ्लोरिन वो इधर आ गया एक दो तीन अब इसको हाइड करो क्या दिख रहा है अगर इसको हम हाइड करें तो आ गया हमारा तो आ गया ठीक है तो ये चार हो गया अब चार और देखते हैं SF4. SF4, फिर से वही बात हाइब्रिडाइज़ेशन निकाल लो तो हाफ ऑफ सल्फर है ऑक्सीजन फैमिली तो छह होगा चार मोनोवेलेंट एटम तो हो गया टेन्ट फाइव आ गया हाफ ऑफ टेन पांच है तो मतलब वही वाली बात हो गई एस पी एक है तीन और एक डी हो गया पांच पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल और, और ये होगा हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ओके बाई पिरामिडल मतलब तो अब, अब, अब और बिलो तो अब देख लो आप कंपेयर कर लो इससे चार बॉन्ड है लेकिन पांच वैल्यू इसका मतलब है चार बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है तो कैसे बनेगा ये लोन पेयर मैंने बताया हमेशा जब भी बाई पेरमिटर आएगा तो इसका मतलब है लोन पेयर जो है वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजिशन पे होगा तो सल्फर को डाल दो इधर फ्लोरिन लगा दो इधर ठीक है और यहाँ पे भी फ्लोरिन और ये रहा हमारा लोन पेयर अब इसको हाइड करो क्या दिख रहा है कुछ ऐसा दिख रहा है इसको घुमाओ तो ऐसा दिखेगा ये क्या सीसो है सीसो सीसो कहते हैं बचपन में खेला होगा इसके ऊपर तो ये रहा सीसो ठीक है अब बी आर एफ फाइव के बारे में बात करते हैं तो हेलोजन है तो निकाल लो हाइब्रिडाइजेशन हाफ ऑफ हेलोजन है तो सात प्लस फाइव मोनोवेलेंट एटम तो ये बेसिकली सिक्स आ गया सिक्स एस पी थ्री डी टू एक एस थी बी दो डी टोटल सिक्स इसका मतलब है ये ऑक्टाहेड्रल है ऑक्टाहेड्रल बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इसमें हम ऐसे बनाते हैं और फिर ऐसे करते हैं ये ऑक्टाहेड्रल है ठीक है तो इसमें क्या है अगर फॉर्मुला से आप कंपेयर करो जोमेट्री तो आपका हेटर ला रहा है पर शेप मे लोन पेर आएगा यहाँ पांच बॉन्ड पेयर है फॉर्मुला से हम कंपेयर कर पा रहे हैं पांच बॉन्ड बना रहा है और एक जो होगा वो लोन पेयर होगा वन लोन पेयर ठीक है तो आप ब्रोमीन को यहां रख दो लोन पेयर यहां बना दो बाकी आप निकाल दो पांच फ्लोरिन एक इधर दूसरा इधर तीसरा इधर चौथा इधर और पांचवा ये रहा इसको क्या बोलते हैं इसको हाइड करो देखो क्या दिखेगा इसमें स्क्वायर पिरामिडल आ रहा है इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल ठीक है ये रहा स्क्वायर आपका और ये रहा पिरामिड स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं इसको ठीक है हो गया एक्सीएफ फोर का बात कर लेते हैं तो एक्सीएफ फोर नोबल कैसे है तो एट होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस चार सराउंडिंग आइटम तो ये भी सिक्स आ गया एसपी थ्री डी टू और ये भी ऑक्ट्रोहाइड्रल है बट यहां पे क्या है अगर आप कंपेयर करोगे तो चार बॉन्ड है लेकिन छह वैल्यू है इसका मतलब दो लोन पेयर है यानी कि फोर बॉन्ड पेयर और टू लोन पेयर ठीक है तो कैसे बनेगा ऑक्टाइटर जैसा ही होगा ये इधर लोन पेयर लगा दिया ये इधर भी लोन पेयर बाकी ये चार जो है ये फ्लोरिन लग जाएगा तो इस तरह के शेप को क्या बोलते हैं ये तो स्क्वायर पिरामिडल था लेकिन यहां दो दो लोन पेयर इसको हाइड करो स्क्वायर दिखेगा तो इसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर इसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर चलो एक लास्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं XO2, और पे क्या है XG है तो सेंट्रल आइटम है तो हाफ एट प्लस टू ऑक्सीजन को तो काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि उसका वैलेंस एक से ज्यादा होता है तो ये आ गया तुम्हारा ये फाइव हो गया फाइव का मतलब वही बाई पेरामिडल एसपी थ्री डी ट्राइगोनल बाई ऑलराइट ठीक है अब वैल्यू कंपेयर करो यहां पांच वैल्यू है लेकिन बॉन्ड चार है दो ऑक्सीजन है दो फ्लोरिन के साथ तो चार बॉन्ड है इसका मतलब है फोर बॉन्ड पेयर है एक जो बच गया वो लोन पेयर होगा एक लोन पेयर है ठीक है तो और ट्राइगोनल बाई है अब यहां पे एक लोन पेयर है वो तो पता है कि इक्वेटोरियल पे होगा लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन एक्सीएल पे होगा ये कैसे डिसाइड करें तो रूल ये कहता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रो है उसको एक्सियल पे डालो लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे होगा सेम प्लेन वाले पे ऊपर और नीचे जो बाई वाला बॉन्ड है उसको एक्जीएल बॉन्ड बोलते हैं तो वहां पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है फ्लोरीन का ज्यादा होता है तो फ्लोरीन को एक्सएल पे डालेंगे तो इसीलिए इस केस में ये ऊपर और नीचे तो फ्लोरीन लग जाएगा ठीक है दो बचा ऑक्सीजन तो यहां आ गया और ये रहा हमारा एक लोन पेयर लोन पेयर का तो फिक्स है कि ये इधर ही होगा अब इसको हाइड करो देखो क्या बन रहा है सेम सीसो आ गया ये सारा बहुत क्लासिकल है और भी कुछ एग्जाम्पल्स में नीट और जे एग्जाम में काफी कॉमनली पूछा जाता है वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन से तो मैं आपको वो दिखा दे रहा हूं आप उसको ट्राई करोगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे साथ में ये भी बताना आपका एक सही हुआ दो सही हुआ तीनों के तीनों सही हुए ठीक है मैं उस पर रिप्लाई करूंगा तो ये देख लो टेस्टियर माइंड आप इन तीनों को ट्राई करो कमेंट बॉक्स पे बताओ क्या आंसर है मैं उस पर रिप्लाई करूंगा आप सही हुए नहीं और अब ये भी बताना आपने कितना सही किया क्या एक सही था दो सही था या तीनों के तीनों सही थे चलिए बने रहिए है चक्रव्यू के साथ मैं फिर एक वीडियो लेके आऊंगा मोस्ट लाइकली मैं, likely, मैं भी लेके बात करूंगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय